हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई। चिकन फ्राई बनाने के लिए हमने लगभग 400 ग्राम चिकन लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है, 3 स्पून दही ली है और बेसन 1 कटोरी। चिकन फ्राई के लिए चिकन के पीसीज में 2-3 जगह कट लगा देते हैं, जिससे कि सारे फ्लेवर्स इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप देख सकते हैं हमने चिकन में कट लगा लिए हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून नींबू दही, 1 बेसन। सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब आपको इसमें लगभग 2-4 घंटे के लिए रेस्ट पर रखना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप थोड़ा सा रेस्ट देकर भी बना सकते हैं। करने के लिए तैयार है। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चिकन फ्राई करना शुरू करते हैं। अब हमने गैस को धीमी आंच पर कर दिया है ताकि चिकन अच्छे से पक जाए। दस 15 मिनट पकाने के बाद चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप चिकन फ्राई को अपनी किसी भी फेवरेट चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।